संसद में मोदी ने राहुल को किया प्रणाम। पकड़ा गया सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा झूठ। कभी संसद में पीएम मोदी के गले लिपटने वाले राहुल गांधी को लेकर अब एक और नया एजेंडा चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सांसद पद की शपथ लेते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रणाम किया। इस तस्वीर में एक तरफ विपक्षी वाली सीट पर बैठे राहुल गांधी जो हाथ जोड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही हैं। इसी तस्वीर को कांग्रेस सोशल मीडिया पर फैलाकर अपने जननायक राहुल गांधी की तारीफ करने में जुट गई। कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार तंज कसा और एक पोस्ट में लिखा, चुनाव के पहले कौन राहुल, चुनाव के बाद प्रणाम राहुल जी, ये है लोकतंत्र की ताकत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सिर्फ यही तस्वीर पोस्ट कर अपने जननायक राहुल गांधी की तारीफ तो कर दी, लेकिन इस तस्वीर की पूरी हकीकत नहीं बताई, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी का ही महिमा मंडन करना था। जबकि इस तस्वीर की हकीकत तो ये है कि सांसद पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को प्रणाम किया, फिर विपक्ष में बैठे तमाम सांसदों को भी प्रणाम किया, जिनमें राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता भी शामिल थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी ने शपथ लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रणाम नहीं किया बल्कि सदन में बैठे तमाम सांसदों को प्रणाम किया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सिर्फ राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कह रही हैं कि मोदी पहले पूछते राहुल कौन और अब उन्हें प्रणाम कर रही हैं। इसी तस्वीर को सुप्रिया श्रीनेत लोकतंत्र की ताकत बताने में जुट गई, लेकिन ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी ने जब दुनिया के सामने बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते राहुल गांधी ने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी थी, जबकि खुद नरेंद्र मोदी कई बार राज्यों में कांग्रेस सरकारें बनने के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों को सत्ता संभालने से पहले बधाई देते हुए नजर आए हैं। अब आप ही बताइए, लोकतंत्र का असली सम्मान कौन करता है, संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी या फिर संविधान को माथे से लगाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवी के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें।